हेलो गाइस गाइस, आज की हमारी वीडियो में हम न्यूसेंस और ट्रेसपास के बीच डिफरेंस को जानेंगे और इसके साथ ही साथ न्यूसेंस के केस में आपको क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हो सकती हैं इनके बारे में समझेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको हमारी वीडियोज़ हेल्पफुल होती हैं, तो प्लीज़ फाइनेंशियली सपोर्ट भी करें। वो पर आपकी अपनी इच्छा है, अगर आपको वीडियोज़ हेल्प कर रही हैं तो आप कर सकते हैं। हमारा फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम नंबर हमने यहाँ लिख दिया है, और आप हमें इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं, लो विद ट्विन्स हमारे इंस्टाग्राम पेज का नाम है। और हमने अपना एक नया चैनल शुरू किया है, ब्लॉग विद ट्विंस, इसे प्यार दें, ये आपका अपना चैनल है, इसे सपोर्ट करें, अपने घरवालों के साथ शेयर करें, इसमें हम अपने डेली व्लॉग्स डालते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी गाइज, तो गाइज मैंने कुछ डिफरेंसेस यहाँ लिख दिए हैं ताकि आपके नोट्स भी बन जाए, और मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला है ट्रेसपास, यहाँ लिखा है न्यूसेंस, यहाँ लिखा है ट्रेसपास। पहले क्या बोला गया है, ट्रेसपास इज अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद ए पर्सन पोजेशन ऑफ लैंड, एंड न्यूसेंस इज द अनरीजनेबल इंटरफेरेंस विद द पर्सन यूज ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ लैंड। तो गाइज मैंने पहले ही बताया था, अब फिर से बता रहा हूँ। ट्रेसपास में क्या होता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी में घुस जाता है बिना परमिशन के, अर्थात अनलॉफुल तरीके से इंटरफेयर करता है पर्सन की पोजेशन ऑफ लैंड में। एक बंदे ने किसी लैंड में पोजेशन कर रखा है, जमीन में पोजेशन कर रखा है, उसकी पोजेशन में इंटरफेयर करता है, अनलॉफुल तरीके से ट्रेसपास कहलाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जो राइट्स हैं, जो इंजॉयमेंट है, उसमें अनरीजनेबल तरीके से इंटरफेयर करता है, तो वो बन जाता है न्यूसेंस। न्यूसेंस इज द अनरीजनेबल इंटरफेरेंस विद द पर्सन यूज ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ लैंड, अर्थात कोई व्यक्ति किसी लैंड को इंजॉय कर रहा है, इंजॉयमेंट कर रहा है उसका। जैसे कोई एक व्यक्ति आराम से सो रहा है, आपने क्या किया, अपने घर पे जो जो से डीजे चला दिए, उससे उसकी नींद खराब होगी, न्यूसेंस है। उसकी इंजॉयमेंट में आप जब प्रहार करते हो तो वो न्यूसेंस की कैटेगरी में आ जाता है। दूसरा डिफरेंस क्या लिखा हुआ है, इन ट्रेसपास इंटरफेरेंस इज ऑलवेज डायरेक्ट। इन ट्रेसपास क्या होता है, ट्रेसपास में क्या होता है, इंटरफेरेंस हमेशा डायरेक्ट होती है, अर्थात मैं किसी की लैंड में डायरेक्ट घुस जाऊंगा, ट्रेसपास, मैं किसी के घर में घुस गया, ट्रेसपास। इंटरफेरेंस जो मैं कर रहा हूँ वो डायरेक्ट कर रहा हूँ। पर न्यूसेंस में क्या होता है, इंटरफेरेंस इज नॉट ऑलवेज डायरेक्ट, इट कैन बी इवन कॉन्सिक्वेंशियल और इट कैन बी इवन इनडायरेक्ट, अर्थात न्यूसेंस में आपको डायरेक्ट घुसने की जरूरत नहीं है। इवन आप अपने घर पे बैठे हो, आपने क्या किया, अपने घर पे कोई व्यक्ति है, वो अपने घर पे चमड़ा, डेली चमड़ा फूंकता है, चमड़े का धुआं उठता है, उसके पड़ोसी के घर जाता है, पड़ोसी को प्रदूषण हो रहा है, आप अपने घर पे बैठे हो, डायरेक्ट उसके घर पे नहीं गए, फिर भी आपने उसको क्या किया, न्यूसेंस क्रिएट कर दिया उसके लिए। एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि इसका ही देता हूँ न्यूसेंस का, कि न्यूसेंस में डायरेक्ट इंटरफेरेंस करना जरूरी नहीं होता कि आप किसी घर में जाकर इंटरफेयर करोगे, नहीं, आप अपने घर से ही इनडायरेक्ट तरीके से भी इंटरफेरेंस कर सकते हो। आप क्या हो, अपने घर पे बैठे हो, डीजे चला रहे हो, जोर जोर से नॉइस कर रहे हो बहुत ज़्यादा, आपके पड़ोसी के घर आवाज़ पहुँच रही है, क्या हो गया, वो कॉन्सिक्वेंशियल तरीके से आप न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, उसको लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो, उसके इंजॉयमेंट को ख़त्म कर रहे हो, तो ये हो गया न्यूसेंस। तीसरा लिखा हुआ है इन ट्रेसपास, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरी लैंग्वेज क्या पता आपको समझ ना आए, तो मैं साथ साथ में पढ़ रहा हूँ, आप लिख लो। इन ट्रेसपास इंटरफेरेंस इज ऑलवेज थ्रो सम मटीरियल और टेंजिबल ऑब्जेक्ट। ट्रेसपास में क्या होता है, जो इंटरफेरेंस होती है वो किसी मटीरियल तरीके से होती है, किसी टेंजिबल तरीके से होती है, अर्थात जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी घर में घुस गए, आपने क्या किया, किसी घर में घुस के कोई पौधा उगा दिया, कोई पेड़ उगा दिया, ये ट्रेसपास है। ये टेंजिबल तरीके से होता है, ऐसे तरीके से होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, ट्रेसपास उन तरीकों से होता है, उन चीज़ों से होता है जिसको हम, जो टेंजिबल होती हैं। लेकिन जो न्यूसेंस है, इट कैन बी कमिटेड थ्रू इनटेंजिबल, थ्रू मीडियम ऑफ इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट सच एज बाई गैस, कोई जहरीली गैसें छोड़ दी, न्यूसेंस क्रिएट कर दिया, नॉइस, बहुत हैवी आवाज़ छोड़ दी। अब नॉइस को आप टच तो नहीं कर सकते ना, गैस को टच तो नहीं कर सकते ना, पर ये न्यूसेंस क्रिएट कर रही है। इनटेंजिबल तरीके से क्या आप न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हो, वाइब्रेशन हो गया, स्मोक, धुआं हो गया, आप न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हो इनटेंजिबल थिंग्स से, लेकिन ट्रेसपास आप टेंजिबल थिंग्स से करते हो। अब बात की जाए फोर्थ पॉइंट की, ट्रेसपास इज एक्शनेबल पर से, नो नीड टू प्रूव डैमेजेस, न्यूसेंस इज नॉट एक्शनेबल पर से, देयरफॉर स्पेशल डैमेजेस नीड टू बी प्रूव्ड। मतलब बोलने का ये हुआ, मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ, आप पहली वीडियोस देख लेना मेरी ट्रेसपास की, न्यूसेंस की, मैं बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ बता रहा हूँ,
जो ट्रेसपास होता है ये एक्शनेबल पर से होता है, मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति ट्रेसपास के लिए केस फाइल कर रहा है उसको कोई भी डैमेज प्रूव करने की जरूरत नहीं है। डैमेज का मतलब है नुकसान, जैसे मान लो मेरे घर में कोई बिना पूछे घुस गया, मैंने उसके अगेंस्ट मतलब अनलॉफुल तरीके से मेरे घर में कोई एंट्री करता है, मेरी पोजेशन में जो लैंड है उसमें एंट्री करता है मेरे पूछे बिना अनलॉफुल तरीके से, तो ये ट्रेसपास है, मैंने केस फाइल कर दिया। तो मुझे कोर्ट में ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या नुकसान हुआ, वो मेरे घर में घुसा मुझे क्या नुकसान हुआ, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मैं केस फाइल कर सकता हूँ। लेकिन अगर बात की जाए न्यूसेंस की, अगर आप न्यूसेंस का केस कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि कोई व्यक्ति गाने सुन रहा है उसको उससे मुझे नुकसान हो रहा है, मेरा इन्जॉयमेंट खत्म हो रहा है, कोई व्यक्ति का कार्य मेरे इन्जॉयमेंट ऑफ लैंड में क्या कर रहा है प्रभाव डाल रहा है, उसमें मेरे जो मेरे को दिक्कत कर रहा है मतलब बोलने का, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा डैमेजेस की, आपको नुकसान क्या हो रहा है ये बताओ। मान लो एक व्यक्ति एक फैक्ट्री खोल रखी है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, आप कोर्ट में जाते हो कि सर फैक्ट्री खुली हुई है, फैक्ट्री से धुआं निकलता है, मेरे घर में आता है, मुझे दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा क्या क्या डैमेज हुए, बताओ आपको क्या डैमेज हुए, कोई बीमारी हुई, कोई नुकसान हुआ, आपको डैमेज प्रूव करने पड़ेंगे अपने न्यूसेंस के केस में। लेकिन ट्रेसपास में कोई भी डैमेज प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, आप केस फाइल कर सकते हो। इसी कारण तो न्यूसेंस का एक इशेंशियल ये नहीं था, तीसरा पहला अनरीजनेबल इंटरफेरेंस, फिर लास्ट में था डैमेजेस, डैमेजेस भी प्रूव करने पड़ते हैं। अगला क्या पॉइंट है, ट्रेसपास इज अ डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस विद द प्लेंटिफ्स पोजेशन ऑफ लैंड, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ फिर से लिख दिया है कि जो ट्रेसपास है वो डायरेक्ट इंटरफेरेंस होती है प्लेंटिफ्स की पोजेशन ऑफ लैंड में। ट्रेसपास में आप डायरेक्ट इंटरफेयर करते हो किस व्यक्ति की पोजेशन ऑफ लैंड में, कोई व्यक्ति अपने लैंड में है, आप डायरेक्ट इंटरफेरेंस कर रहे हो। न्यूसेंस में आप डायरेक्ट नहीं करते, इट इज़ इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट होती है, ये कॉन्सिक्वेंशियल होती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कुछ न्यूसेंस के, कुछ ट्रेसपास के, ट्रेसपास का एग्जाम्पल दूंगा पहले। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के घर में घुस गए, ट्रेसपास, आप किसी के घर में घुसे, किसी ज़मीन में आपने पेड़ उगा दिया, उसकी ज़मीन में जाके आपने पेड़ उगा दिया उसकी ज़मीन में, ये ट्रेसपास कर रहे हो आप। लेकिन अगर मान लो आपकी अपनी ज़मीन में कोई पेड़ उगा हुआ है, उसकी टहनियाँ आपके पड़ोसी की ज़मीन में जा रही हैं, तो ये उस आपके पड़ोसी को के लिए न्यूसेंस क्रिएट कर रही हैं टहनियाँ। अब ये आप ट्रेसपास नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्ट तरीके से अपने पड़ोसी को दिक्कत परेशानी दे रहे हो, ये हो गया आपका न्यूसेंस। तो आप लिख सकते हो कि प्लांटिंग ए ट्री ऑन अनदर्स लैंड इज अ ट्रेसपास, व्हाट व्हेन ए पर्सन प्लांट्स ए ट्री ओवर हिज ओन लैंड एंड द रूट्स और ब्रांचेस प्रोजेक्ट इनटू और ओवर द लैंड ऑफ अनदर पर्सन, दैट इज न्यूसेंस। आप एक और एग्जांपल लिख सकते हो कि टू थ्रो स्टोन्स अपॉन वन्स नेबर्स प्रिमाइजेस इज ए रॉन्ग ऑफ ट्रेसपास, आपने पत्थर उठाया और अपने पड़ोसी के घर में फेंका, ये ट्रेसपास है। लेकिन अगर मान लो आपकी चिमनी है, आपके घर में चिमनी लगी हुई है, जहाँ पे वहाँ से अपने आप पत्थर निकल निकल के आपके घर आपके पड़ोसी के घर में पड़ रहे हैं, तो ये न्यूसेंस है, आपने खुद नहीं किया, अपने आप हो रहा है, ट्रेसपास में खुद पत्थर मारते हो। मतलब ट्रेसपास में डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है, इसमें इनडायरेक्ट होता है, ट्रेसपास में टेंजिबल तरीके से होता है, इसमें इनटेंजिबल गैस नॉइज वाइब्रेशन स्मोक से हो सकता है, ये हो गए इसके डिफरेंसेस। इतने डिफरेंस काफ़ी हैं, जो मैंने आपको दो एग्जांपल दिए वो आप एग्जांपल लिख लोगे, आपका क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। अब हम इसकी रेमडीज डिस्कस कर लेते हैं न्यूसेंस की, कि अगर आपको कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है तो आपके पास क्या क्या रेमडीज है, आप क्या कर सकते हो। हाँ जी गाइज, तो गाइज अगर मैं बात करूँ रेमडीज क्या अवेलेबल हो सकती हैं आपको, अगर आपके अगेंस्ट कोई न्यूसेंस कर रहा है, आप न्यूसेंस से प्रभावित हो, तो आपके पास क्या रेमडी है, सबसे पहले रेमडी है डैमेजेस, अर्थात आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति आपको न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं न्यूसेंस का, अगर वो प्राइवेट न्यूसेंस है तो आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो, मुआवजा ले सकते हो। जो दूसरी रेमडी है वो है इंजेक्शन की। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, इंजेक्शन का मतलब होता है एक जुडिशियल ऑर्डर, एक कोर्ट का ऑर्डर, जिसके जरिए कोर्ट जो है एक व्यक्ति को किसी को भी कुछ करने से रोकता है कि आपको ये काम नहीं करना है, ताकि बाकी लोगों के राइट्स को की प्रोटेक्शन की जा सके। फॉर एग्जांपल आपका पड़ोसी जो है कोई बड़े ज़ोर से डेली म्यूजिक चला रहा है, कंटिन्यूसली बड़ी ज़ोर ज़ोर से वो डीजे चलाता है, तो आपको न्यूसेंस क्रिएट होता है, आप उससे बड़े डिस्टर्ब होते हो, तो आप कोर्ट में गए तो कोर्ट क्या करेगा, एक इंजेक्शन कर सकता है। इंजेक्शन मतलब आपके पड़ोसी को ऑर्डर कर देगा और रेस्ट्रेंड कर देगा वैसा करने से, बोल देगा कि आप म्यूज़िक नहीं चलाओगे, तो आपको जनरल सी बात है आपको फ़ायदा हो जाएगा। इंजेक्शन क्या है, ये दो प्रकार का हो सकता है, ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ परमानेंट इंजेक्शन की, अर्थात कोर्ट बोल देगा व्यक्ति को तो कभी भी इतनी आवाज में लगाएगा ही नहीं डीजे, बात खत्म, परमानेंट इंजेक्शन लगा दिया, हमेशा के लिए रोक दिया, टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए रोक दिया, और कोर्ट दे तो फर्दर ऑर्डर ना पास कर दे, तब तक आप नहीं काम कर सकते, जब तक कि कोर्ट
अपना नया ना ऑर्डर पास कर दे, तब तक आप कुछ टाइम के लिए आप अपना गाना बजाना बंद करके रखोगे। यह हो गया इंजेक्शन, अर्थात इंजेक्शन से भी आपको एक रेमडी मिल सकती है, ये भी एक रेमडी है। अब जो ये इंजेक्शन है इसमें आप एक केस लो डिस्कस कर सकती हो, उषा बैन वर्सेज बागी लक्ष्मी चित्रा मंदिर। इस केस में क्या हुआ था आपको याद होगा, जब हम लोग साइन इंजरिया डैमनो साइन इंजरिया की मैगजीन पढ़ रहे थे शुरू में, तब मैंने बताया था ये केस लो। इस केस में क्या हुआ था, एक्चुअली एक फिल्म चली हुई थी, मूवी चली हुई थी, इस मूवी में पार्वती जो है पार्वती माँ सरस्वती माँ जो पार्वती सरस्वती और लक्ष्मी माता उस उनमें आपस में ऐसे लड़ाई सी दिखाई गई थी कि वो आपस में एक दूसरे से जल रही हैं, जलस फील कर रही हैं, आपस में लड़ रही हैं। तो एक जो उषा बहन थी उसको ये अच्छा नहीं लगा, उसने केस फाइल कर दिया कि ये मुझे न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, मेरे न्यूसेंस है, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे जो हिंदू देवी देवता हैं वो ऐसे लड़ते नहीं आपस में। तो कोर्ट ने बोला जो न्यूसेंस है आपकी जो रिलीजियस फीलिंग हर्ट हो रही है ये कोई न्यूसेंस नहीं क्रिएट हो रहा है, इसको न्यूसेंस नहीं माना जा सकता और आपका कोई राइट भी वायलेट नहीं हो रहा है, आप जो है आपको कोई डैमेजेस नहीं मिलेगा और ना ही हम इंजेक्शन का ऑर्डर पास कर सकते हैं, अर्थात हम फिल्म को चलने से नहीं रोक सकते। अब बात आती है अबार्टमेंट ऑफ न्यूसेंस। अबार्टमेंट ऑफ न्यूसेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है न्यूसेंस को कम करना, टू डिक्रीज करना, डिक्रीज द न्यूसेंस। कोर्ट जो है ना ऑर्डर पास कर सकता है कि इस न्यूसेंस को कम किया जाए, अबार्ट किया जाए, डिक्रीज किया जाए। मान लो कोई फैक्ट्री है बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती है, तो कोर्ट ये भी ऑर्डर पास कर सकता है कि आप कुछ ऐसा सिस्टम करो कि आप कम धुआं छोड़ो, या फैक्ट्री को आप यहाँ प्रोडक्शन कम कर दो या कहीं और खोल दो, कि अबार्टमेंट ऑफ न्यूसेंस का भी ऑर्डर पास कर सकता है कोर्ट। तो ये तीन जनरल डिफेंस मिल जाते हैं। अगर आप वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कर दें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे नए चैनल ब्लॉग विद ट्विंस को प्यार करें, उसको सब्सक्राइब करें, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू सो मच।